जनाब फजल मोहम्मद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहिबा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट एंड आई एडमिट तालपुर साहब एंड हिज चेयरमैन, बोथ ऑफ देम हैव अ गुड स्पोकन इंग्लिश, सो वी एडमिट दैट एंड वांट टू क्लेरिफाई वन थिंग। वी आर नॉट सिटिंग हियर इन अ ब्रिटिश पार्लियामेंट, दिस इज अ पाकिस्तानी पार्लियामेंट एंड आर नेशनल लैंग्वेज दैट इज उर्दू। तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी उर्दू पश्तों की बात नहीं है, हमारी जो कौमी जबान है वो उर्दू है। सारा पाकिस्तान हमें देख रहा है, वो उर्दू ही समझते हैं और इसी तरह हम भी उर्दू समझते हैं। तो जो हमारे मिनिस्टर साहब ने बात की थी चेयरमैन साहब के मुतालिक, तो उन्होंने कोई बुरी बात नहीं की, तो उन्होंने यही कहा था कि आप उर्दू में बात करें ताकि कौम को समझ आए कि हम क्या कह रहे हैं। उसके बाद जी रियासत मदीना पे बात हुई कि रियासत मदीना एक ही दफा बना और उसके बाद वो बन नहीं सकता। जिस हस्ती ने रियासत मदीना की बात की, हम उनकी पैरों के खाक के बराबर भी नहीं, लेकिन कुरान मजीद और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी जो है तो वो हम मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से हमें हिदायत है कि आप उसको फॉलो करें तो आपको जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। हमारे चेयरमैन इमरान खान जो रियासती मदीना की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ, स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि हम उनके कदम पे कदम रखें और जो उन्होंने हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताया हम उस पर चले। यहां पे बात हुई कि लंगर खानों से मुल्क तरक्की नहीं करते, हम भी मानते हैं कि लंगर खानों से मुल्क तरक्की नहीं करते, लेकिन मैं इनको यह जरूर बताना चाहूंगा कि वो लोग जिनको मुश्किल से एक वक्त का खाना मिलता है, जिनको सोने के लिए छत नहीं मिलता, तो लंगर खाने और एहसास प्रोग्राम की अहमियत उनके साथ है जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, महलात बनाए, बाहर की दुनिया में जायदादें बनाए, उनको लंगर खाने का क्या पता। तो मैं बिल्कुल ये बात इनकी मानता हूं, लेकिन साथ में ये कहूंगा कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके में उन लोगों से पूछा जाए क्या ये लंगर खाना है? जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक सहूलत है कि नहीं। दूसरा, मैं इनको मशवरा दूंगा कि आप इस कौमी असेंबली का हिस्सा हैं, आप किसी रात वैसे एक लंगर खाने का चक्कर लगा लें तो आपको पता लगेगा कि वहां पे गरीब लोग रात को कितने जाते हैं, कितने वहां से खाना खाते हैं और कितने वहां पे अपनी रात बसर करते हैं। तो इनके एहसास हो जाएगा कि लंगर खाना जो है तो वो यहां की जरूरत है। अभी जी मैं कुछ बातें करना चाहूंगा जो कि एक सिलसिला चला रहा है, जैसे कि सेहत कार्ड। स्पीकर साहिबा, सेहत कार्ड बेशक
एक अच्छा इकदाम है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो हमें बताया जा रहा है, तो सेहत कार्ड है लिमिटेड ऑपरेशंस तक, तो गरीब आदमी जो है आज 10,000 के उसके टेस्ट, उसको सेहत कार्ड पे दवाई नहीं मिलती। तो मेरी हुकूमत से अपील है, जो भी इस चीज को डील कर रहे हैं सेहत कार्ड को, इसमें यह एडिशन की जाए कि गरीब आदमी को उस पर दवाई मिल सके, उसके टेस्ट हो सके, और जिस तरह का भी इलाज हो वो सेहत कार्ड में होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ ऑपरेशन। एक ये मैं वजाहत करना चाहता था। दूसरी ज़रात पे बात हुई, 65-70% हमारे मुल्क की लोग जो हैं तो वो ज़रात के साथ मुंसलिक हैं, और हकीकत में ज़रात का हमारे मुल्क में इस वक्त बुरा हाल है। जो लोग ज़रात से मुंसलिक हैं और छोटे जमींदार हैं, उनका बुरा हाल है। एक मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जरई जमीन, जैसे हम के कहते हैं कि हम कर्जे देंगे, ये बात मैंने पहली भी इस फ्लोर पे की थी, छोटे जमींदार के साथ आपकी भलाई ये होगी, जैसे कि एक कमर्शियल प्लॉट है उसमें हुकूमत कर्जा देती है, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है, तो उसमें हुकूमत उसको 70 लाख रुपए दे देती है गारंटी के तौर पे, और 1 करोड़ रुपए की चीज मॉर्गेज हो जाती है। हमारे यहां क्या हो रहा है जमींदार के साथ, कि 1 करोड़ रुपए की जमीन है, उसके बदले उसको मुश्किल से 1 लाख रुपए उसके बदले में कर्जा मिल जाता है, और उसकी 1 करोड़ रुपए की चीज जो है तो मॉर्गेज हो जाती है। तो इस पे एक पॉलिसी बननी चाहिए कि जो जिसे हम टेबल रेट कहते हैं या डीसी रेट कहते हैं, उसके मुताबिक जमींदार के साथ ये जो लोन वाला किस्सा है तो ये उस भी किया जाए, तो इससे इंशाल्लाह आपके जमींदार को काफी सहूलत मिलेगी और इंशाल्लाह मामलात अच्छी तरफ जाएंगे। स्पीकर साहिबा, एक और मैं बात करना चाहूंगा जो मेरे साथ खुद हुआ है। मैंने अपने जिला चारसदा के लिए वाबड़ा की कुछ स्कीम्स दी, मुझे सर्टिफिकेट की कॉपी, मैंने सर्टिफिकेट कहें या जो भी कहें, जो ये अपने बाल अफसरान को कंप्लीशन की एक राइटिंग में एक चीज देते हैं कि ये फलाना नंबर स्कीम जो है तो ये कंप्लीट हो चुका है, और उसके पैसे और सारा कुछ ये ले लेते हैं। इसी तरह मेरे हलके में मेरी कोई 22 स्कीम्स थी जिनको मैंने चेक किया, अभी बाकी रहती हैं, लेकिन आज 10 स्कीम्स को मैंने चेक किया, तो आप सोचें कि 10 स्कीम्स में से मेरे 3 या 4 स्कीम्स कंप्लीट हैं, बाकी कंप्लीट नहीं है, और उन पे कंप्लीशन का सर्टिफिकेट जो है तो वो जा चुका है। तो मेरा सवाल ये है कि मेरा वो मटेरियल किधर गया, वो ग्राउंड पे कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट किस खाते में जाता है? ऐसे अहलकारों के खिलाफ अगर हमारी हुकूमत एक्शन लेगी तो आप तसल्ली रखें, जो बात के हम करते हैं कि हमने करप्शन के खिलाफ आवाज उठानी है, हमने करप्शन को खत्म करना है, 2-4 को आप लोग मिसाल बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये मामलात आपके ठीक होंगे।
तो ये मैं आपको सबूत इंशाल्लाह पेश करूंगा और मैं अपील करूंगा कि जिसने ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है उसको घर भेजा जाए, सस्पेंड नहीं, उसको टर्मिनेट किया जाए ताकि औरों के लिए सबक बने। आखिरी बात, एक मैं बात करना चाहूंगा कि मेरे जिले चारसदा के लिए, मेरा हल्का है N24, उसके लिए मेडिकल कॉलेज का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ऐलान हो चुका है उसके लिए फंड्स नहीं है। चारसदा ने बहुत बड़े बड़े लीडर्स पैदा किए हैं जिन्होंने इन सूबे को लीड किया है, लेकिन बदकिस्मती से वो वही टोला था जिसकी मैंने अभी कुछ देर पहले बात की कि मुल्क को लूटा गया है, कौम का पैसा जेबों में डाला गया है, और चारसदा में जो लीडरशिप रही है तो चारसदा को आज मिनी इस्लामाबाद होना चाहिए था। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि चारसदा बहुत पासमानदार रह गया है। तो मेरी ये अपील है, मेरी ये बात पहुंचे कि हमारे चारसदा के लिए कैडेट कॉलेज और मेडिकल कॉलेज जिसका ऐलान हो चुका है, कैडेट कॉलेज का भी हो चुका है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है। तो मेरी अपील है कि इस बात को सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। साथ साथ में जी एक बात कहना चाहूंगा, 1985-86 से चारसदा 10 लाख 12 लाख 15 लाख आबादी का जिला है। 85-86 में ट्रांसमिशन लाइन, गैस की जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है वो उस वक्त की है, अभी उसकी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो चारसदा का लोड उठा सके, जितना भी वहां पे गैस फैल चुका है। तो ये मैंने इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने वो बात मान ली थी, उसके पैसे भी जा चुके हैं, लेकिन जो मेन ट्रांसमिशन लाइन का पाइप है या मटेरियल है तो वो यहां का लोकल नहीं है, उसका इंपोर्ट होना था। कोविड की वजह से वो काम रुका हुआ है। तो स्पीकर साहब, मैं ये आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमाद अजहर साहब को कहा जाए कि जो एक काम हो चुका है, स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, स्पीकर साहब बस आखिरी बात है जी, आप से ये दरख्वास्त करूंगा कि मेरा मेन ट्रांसमिशन लाइन गैस का वो मंजूर हो चुका है, उसके फंड्स जा चुके हैं, सिर्फ कोविड की वजह से उसका इंपोर्ट अभी तक बंद था, अभी माशाल्लाह काफी हद तक कोविड जो है तो वो कंट्रोल हो चुका है। तो आप मेहरबानी करके इस पे नजरसानी करें और वो चीज जो है तो वो ग्राउंड पे आए ताकि मेरे चारसदा के लोगों का ये लो प्रेशर गैस का जो मसला है तो ये हल हो। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया।